Hello everyone, this is Anil here and welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to discuss about how to get Australian driving license. I will explain everything, which one documents we require and what is the whole process. So without wasting of time, let's start. तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो आपको क्या क्या करना होता है. तो लाइक स्टेट टू स्टेट थोड़े रूल्स है वो डिफरेंट होते हैं, बट ऑलमोस्ट है वो सिमिलर ही होता है प्रोसेस. तो मैंने विक्टोरिया से लिया था, तो मैं बताऊंगा कि आप मेलबोर्न में कैसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस है वो ले सकते हो. उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपका जो ओवरसीज का लाइसेंस है उसके बिहाफ पे आप यहाँ पे क्या है ओनली 6 मंथ ड्राइव कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में. अदर स्टेट का मुझे नहीं पता, बट आप मेलबोर्न में ओनली 6 मंथ ही ड्राइव कर सकते हो ओवरसीज लाइसेंस के बिहाफ पे. और अगर आपका लाइसेंस है, चाहे आप इंडिया से हो चाहे पाकिस्तान से, अगर आपका लाइसेंस है वो 6 मंथ सॉरी 3 ईयर ओल्ड है, अगर आपका 3 साल लाइसेंस पुराना है तो आप यहाँ पे क्या एलिजिबल हो फुल लाइसेंस अप्लाई करने के लिए. अदरवाइज आपको क्या यहाँ पे लर्नर लाइसेंस मिलता है. तो मैं बताऊँगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है. तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से. तो सबसे पहले मेलबोर्न में जो ऑफिस प्रोवाइड करवाता है उसको बोलते हैं विक रोड. तो आप क्या विक रोड सर्च करोगे, उस पर आपको आपकी डिटेल मेंशन करनी होती है, आपको रजिस्टर करना होता है. तो उसमें लाइक आप ऑस्ट्रेलिया में कब अराइव हुए वो डेट आपको मेंशन करनी होती है, आपका नेम और आपका ड्राइविंग लाइसेंस है जो जिसे भी कंट्री से उसका क्या नंबर डाल के उसमें आप जब चेक करोगे तो उसमें आपको क्या वो एक्सपायरी डेट दिखाएगा. लाइक आपका लाइसेंस आज से लेकर इस डेट तक क्या वैलिड, आई मीन 6 मंथ की वो डेट दे देगा कि उसको उस डेट को आपका क्या वो एक्सपायर हो जाएगा. उसके बाद आप क्या यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लीगली ड्राइव नहीं कर सकते, और स्टूडेंट है तो करने भी नहीं चाहिए, इवन कोई भी हो उसे इलीगल तो करना ही नहीं चाहिए. तो जब आपने चेक कर लिया कि ये मेरा एक्सपायरी डेट है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उससे पहले पहले आप क्या है जो अपना ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस है वो क्या आप अप्लाई कर दो. एंड देन उसके बाद आपका जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है आपका ऑनलाइन लर्नर टेस्ट. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन लर्नर टेस्ट क्या देना होता है वो आप घर पे बैठे दे सकते हो. तो आपको विक रोड पे क्या है जाके रजिस्टर करना होता है, और उसमें क्या आपको सेलेक्ट करना होता है ऑनलाइन लर्नर टेस्ट. तो ये बेसिकली क्या है एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, इसमें 3 to 5 hours लगते हैं. तो आप घर पे अपने लैपटॉप से इजीली इसको कर सकते हो. ये क्या है एक क्विज बेस्ड होती है, इसमें लाइक 3 to 4 क्विजेज होती हैं वो कि आपको कंप्लीट करनी होती है. लाइक जब तक आप एक क्विज कंप्लीट नहीं करोगे तो नेक्स्ट वाली क्या ओपन नहीं होती. तो आपको मोर देन 80% क्वेश्चन है उसमें क्या है सही करने होते हैं. एंड जब आपने एक बार इसके लिए लाइक इनरोल कर लिया ऑनलाइन लर्नर टेस्ट के लिए, तो आपके पास 1 ईयर का टाइम होता है इसको कंप्लीट करने के लिए. विद इन 12 मंथ्स आप क्या इसको कंप्लीट कर सकते हो. तो इसके लिए आपको इसकी जो फी है वो पे करनी पड़ती है. लाइक मुझे पूरा याद नहीं है, बट अराउंड $30-40 इसकी जो फी है वो आपको देनी पड़ती है. तो आप क्या जब ऑनलाइन आपका लर्नर टेस्ट है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप ड्राइविंग करते हो तो जस्ट उसमें नॉर्मल ये होते हैं लाइक यहाँ के ट्रैफिक रूल्स वगैरह वो पूछे जाते हैं, तो आप इजीली उसको पास कर दोगे. एंड देन उसके बाद विक्टोरिया में एक और टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं हैजार्ड टेस्ट. तो उसमें भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसमें सिर्फ लाइक वो भी आप घर पे बैठे कर सकते हो. जब आपने वो कर लिया तो आप क्या हैजार्ड टेस्ट के लिए खुद को रजिस्टर कर दो और ऑनलाइन घर पे कर लो. उसमें भी लाइक जस्ट एक आपको लाइक वीडियो दिखाते हैं वो कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो आपको लेफ्ट टर्न करना है राइट टर्न करना है तो आप कैसे करोगे, कब इंडिकेटर दोगे, कहाँ पे आपको रुकना चाहिए, वो सब जब सब इंस्ट्रक्शंस होती है नॉर्मली, इतना वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, तो वो भी क्या इजीली पास हो जाता है. जब ये दोनों टेस्ट हो गए तब आपको क्या है विक रोड जाना होता है. जब आप विक रोड जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है खुद का. तो आप डॉक्यूमेंट सारे जो आपको लेके जाओगे वहाँ पे, लाइक वहाँ पे आपकी पासपोर्ट आपको चाहिए होगा, आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए होता है. तो आप वहाँ पे जाके काउंटर पे जहाँ पे भी आपका नंबर आता है उस काउंटर पे जाके उनको बोलो कि मैंने अपना क्या है लाइसेंस कन्वर्ट करना है इंटरनेशनल यहाँ पे विक्टोरिया में, तो मुझे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं. तो आप डॉक्यूमेंट में आपका वो पासपोर्ट मांगेंगे, आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उसके अलावा आपका रेजिडेंस आपको प्रूफ देना होता है. तो उसमें आप अपना जो बैंक का कार्ड होता है एक वो दोगे, और उसके अलावा क्या आप बैंक की ऐप ओपन करके उसमें शो कर दोगे कि हाँ मैं यहाँ पे रह रहा हूँ. अदरवाइज आपका यूनी का ऑफर लेटर है या CO जिस पे भी आपका रेजिडेंस दिया हो तो वो आप क्या उनको शो कर सकते हो. तो उसके बाद वो क्या है आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देंगे, और वहाँ पे आपका एक सिंपल सा आई टेस्ट होता है, वो जस्ट चेक करते हैं कि आप कोई
स्पेक्सेस वगैरह तो नहीं वियर करते, तो वो जस्ट एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के वो चार्जेस आपको पे करने होते हैं, $30 to $50 वो आपको पे करने होंगे। और जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए तब आपको क्या है, अपने फाइनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपकी जो है अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो विक्टोरिया में काफ़ी रश है, तो इसके लिए अब जब आप जैसे आज आपने अगर बुक करनी है तो आपको मिनिमम 1 month वेट करना पड़ेगा। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जितना पॉसिबल हो तो उससे पहले कि आप बुक कर दें, लाइक आपको आपका जो इंटरनेशनल लाइसेंस है वो एक्सपायर होने से पहले पहले आप क्या है यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस ईजिली गेट आउट कर सको। देन जब आपने अपॉइंटमेंट ले ली तो आपको क्या लाइक जैसे आपको नेक्स्ट मंथ की कोई भी डेट दे दी तो उस दिन आपको क्या है विक्रोड फिर से आना होता है। तो उसमें वो डिपेंड करता है कि आप अपनी कार लेके आ रहे हो, विक्रोड कोई भी आपको कार नहीं प्रोवाइड करवाएगा आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए, या तो खुद आपकी कार लेके आओगे या आप उसमें क्या आपके पास एक ऑप्शन होता है अगर आप बिट हेजिटेट हो तो आप क्या एक इंस्ट्रक्टर हायर कर लो उस दिन के लिए, सिर्फ 1-2 hours के लिए आप क्या उसको हायर करोगे तो उसको वो फी वो डिपेंड करता है लाइक $200 to $250 वो क्या है आपसे चार्ज लेंगे उस दिन के लिए। तो उसमें क्या है वो आपको लाइक आपका टेस्ट है मॉर्निंग 10 o'clock तो वो आपको क्या है वहाँ पे 8 o'clock बुला लेंगे और आपको उस एरिया में राउंड देंगे जहाँ पे आपका एक्चुअल में टेस्ट होना है। तो वो आपको सब कुछ बताएंगे लाइक आपको ये करना है और ये नहीं करना, तो आपको वो सभी इंस्ट्रक्शंस हैं वो पहले बता देंगे अगर आपको आप फुली कॉन्फिडेंट नहीं हो। और वो गाड़ी भी अपनी खुद की लेके आते हैं जो कि परफेक्ट होती है, अदरवाइज आप अपनी गाड़ी लेके जाओगे तो उसमें वो सभी कुछ चेक करेंगे लाइक आपके इंडिकेटर्स, आपकी रियर लाइट, फ्रंट लाइट, ब्रेक, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपका जो हैंड ब्रेक है वो होना चाहिए। कुछ कार के होता है वो जो हैंड ब्रेक होता है वो पैर से लगता है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, सिर्फ हैंड ब्रेक ही होना चाहिए अगर आपको विक्टोरिया में आपका ड्राइविंग टेस्ट देना है। तो वो सब कुछ चेक करने के बाद क्या है आपके पास इंस्ट्रक्टर बैठेगा, तो वो आपको क्या इंस्ट्रक्ट करेगा जैसे जैसे आपको क्या आगे प्रोसीड करना है। तो आपके इसमें क्या 2 parts में आपका वो ड्राइविंग टेस्ट होता है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट वो 30 minutes एंड सेकंड पार्ट उन पर डिपेंड करता है लाइक 20-30 minutes इतना ही लेते हैं, वो ज़्यादा नहीं इसको बढ़ाते। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है वो सिंपल सा आता है, उसमें आपको जस्ट वो बोलेंगे कि गो अहेड, लाइक आप जहाँ पे खड़े हो तो वहाँ से आपको गाड़ी स्टार्ट करके अच्छे से निकलना होता है। तो उसमें क्या है उनको ये पता होता है कि स्टूडेंट को ड्राइविंग आती है, कि ड्राइविंग आती है तभी आप यहाँ पे हो, बस वो सिर्फ ये चेक करते हैं कि ड्राइविंग रूल्स आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो सिर्फ आपको क्या ड्राइविंग रूल्स है वो फॉलो करने होते हैं, लाइक आपने जब अपना गाड़ी स्टार्ट किया, जब आपको वहाँ से टर्न करना है तो आपने इंडिकेटर देना है 5 seconds पहले, और आपको हेड चेक जरूर करना है जब भी आप टर्न करो कहीं पे भी, साइड मिरर है, फ्रंट मिरर है, वो सब कुछ आपको क्या चेक करने होते हैं। तो सिर्फ वही चीज़ें वो क्या नोट करते हैं, जैसे जैसे आप जाओगे तो वो आपको इंस्ट्रक्ट करता रहेगा, लाइक आप अगर स्ट्रेट जा रहे हो तो आपको वो बोल देगा कि राइट टर्न फ्रॉम लेफ्ट लाइन। तो वहाँ पे थोड़ा बंदा क्या कन्फ्यूज हो जाता है कि समझ नहीं आता कि एक्चुअल उसने क्या बोला है। तो ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आया और आपने क्या वहाँ पे टर्न कर दिया, नहीं, अगर आपको समझ नहीं आया तो उसको रिपीट करने को बोलो कि रिपीट कर दो, आई डिडंट गेट यू, तो वो क्या आपके लिए रिपीट कर देंगे। कुछ भी अपने भी आप पे मत करना। एंड उसके बाद जब आपके 30 minutes वो नॉर्मली देखेंगे कि आपने हेड चेक किया या नहीं किया, हेड चेक लाइक आप बैठे हो ड्राइविंग कर रहे हो तो पीछे आपने इसे मुड़ के देखना होता है, वो उसको हेड चेक बोलते हैं, इधर भी आपको देखना होता है तो उसको हेड चेक बोलते हैं, वो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखते ही देखते हैं ये चीज़ें। और उसके बाद जब आपका 30 minutes कंप्लीट होगा तो आपको बोलेंगे कि आपकी गाड़ी है वो पुल ओवर कर लो, राइट साइड लेफ्ट साइड जहाँ पे भी आप हो तो आप पुल ओवर कर लोगे, तो वो आपको बताएंगे कि हाँ ओवरऑल आपका क्या कंक्लूजन है फर्स्ट पार्ट का। देन उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि अभी आपका जो सेकेंड पार्ट है वो टेस्ट होने जा रहा है। तो सेकंड पार्ट में मोस्टली आपको वो 2 चीज़ें करने को बोलेंगे, एक तो आपको 3D पॉइंट टर्न करना होता है और एक आपको रिवर्स बैक पार्किंग है वो क्या करनी होती है। तो 3D पॉइंट टर्न और रिवर्स पार्किंग आप क्या गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर लो कि कैसे होती है, तो आप वहाँ से क्या इजीली सीख सकते हो। और इंस्ट्रक्टर भी आप इसीलिए हायर करते हो कि वो आपके टेस्ट से पहले आपको क्या बता देता है कि एक्चुअल में ये चीज़ें क्या है, वो आपको करवाते हैं, रिपीट करवाते हैं, तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप रिवर्स पार्किंग नहीं कर पाए। और अगर आपने 3D पॉइंट टर्न नहीं किया करेक्टली तो वो आपका जो टेस्ट है उस दिन कैंसिल हो जाएगा, तो बी केयरफुल।
और जब आपने ये सब कुछ हो गया, ऑलमोस्ट आपका 60 to 90 minutes का ये क्या ड्राइविंग टेस्ट होता है, जब आपका ये सारा कुछ होगा तो वो आपके वापस आते हो विक्रोड, वहाँ पे आने के बाद वो आपको बताता है आपका रिजल्ट कि हाँ आपने क्लियर कर दिया, और आपने क्लियर नहीं किया तो आपने क्लियर कर दिया तो आपकी वो क्या है वहाँ पे लाइक वेरिफिकेशन होती है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होके आपका पासपोर्ट वगैरह वो लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करके आपकी पिक वगैरह वो क्या कैप्चर करेंगे, और उसके बाद आपको क्या है वहाँ पे लाइक लाइसेंस के लिए आपका पे करना होता है। तो उसमें आपके पास ऑप्शन होते हैं लाइक आपको कितने ईयर का लाइसेंस चाहिए, तो उसमें होते हैं 1 year, 3 year और 10 year। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना लेना है। लाइक 3 year के लिए आपको पे करना पड़ता है 200 और समथिंग, लाइक 200 और 300 के बीच में आपको कुछ क्या पे करना पड़ता है। मुझे याद है मैंने 270 ऐसा कुछ पे किया था, मैंने 3 year का लाइसेंस लिया था तो मैंने क्या 270 समथिंग के आपको डॉलर है जो ऑस्ट्रेलियन वो पे किए थे मेरे लाइसेंस के लिए। तो उसके बाद क्या है वो आपका जो लाइसेंस है वो पोस्ट कर देते हैं, विद इन वीक ऑलमोस्ट आ जाता है, बट वो डिपेंड करता है कि अगर वो बिजी हैं या कुछ भी हैं तो थोड़ा टाइम ले लेते हैं। तो इसमें ये था सारा होल प्रोसेस कि आपने कैसे आप ऑस्ट्रेलिया का ड्राइविंग लाइसेंस है वो ले सकते हो। और एक चीज़ और, जो लर्नर और फुल लाइसेंस, तो फुल लाइसेंस तो अगर आपके पास आपकी कंट्री का 3 year ओल्ड लाइसेंस है तो आप यहाँ पे फुल लाइसेंस आपको मिलेगा, आप एलिजिबल हो। अदरवाइज अगर आपके पास वहाँ पे लाइसेंस है या नहीं भी है तो आप यहाँ पे आके जब टेस्ट देते हो तो आपको क्या है लर्नर लाइसेंस मिलता है। लर्नर लाइसेंस में क्या होता है कि आपको एक तो आपके गाड़ी के आगे और बैक, लाइक फ्रंट और बैक में क्या, एक तो नंबर प्लेट लगा के अपनी होती है पी की, तो उसका मीन होता है कि ये लर्नर है, अभी सीख रहा है। एंड 120 hours आपको क्या है किसी जो एक्सपर्ट होता है उसके साथ ड्राइविंग करनी होती है जब आपको आपका लर्नर लाइसेंस मिलेगा। तो 120 hours आप उनके साथ स्पेंड करते हो, वो आपको मैंडेटरी है कंप्लीट करना पड़ेगा। तो क्या है वो जो भी एक्सपर्ट होगा वो रिटर्न में देगा कि हाँ इसने कोई गलती नहीं की, तो तब आपको क्या है विक्रोड है वो आपका तो लर्नर लाइसेंस देती है। तो लर्नर लाइसेंस जब उसमें क्या, उसके बाद आप 2 year उस पर ड्राइविंग करते हो तो उसके बाद आप क्या है एलिजिबल होते हो फुल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। तो 2 साल है वो आप क्या है पी प्लेट पे ही लर्नर लाइसेंस पे ही क्या ड्राइविंग करते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो इजीली। तो ये था होल प्रोसेस कि आप ऑस्ट्रेलिया का ड्राइविंग लाइसेंस आप कैसे ले सकते हैं। तो मैंने एवरीथिंग है वो एक्सप्लेन कर दिया इसमें, लाइक डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है और लाइक स्टेप टू स्टेप क्या इसका प्रोसेस होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।